खबरों में आगे बढ़ते हैं, रुक करते हैं बड़ी खबर का। जालौन से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर बसपा सुप्रीमो मायावती ने जनसभा कल है और जालौन के उरई विधानसभा में जनसभा करने वाली है मायावती। जनपद के तीनों विधानसभा के उम्मीदवार इस मौके पर उनके साथ मौजूद रहेंगे। उरई कोतवाली क्षेत्र के हाजी शरीफ के ग्राउंड में ये जनसभा होने जा रही है। बसपा के झांसी मंडल के कोऑर्डिनेटर लालाराम अहिरवार से इंडिया न्यूज संवाददाता ने खास बातचीत की है और साथ ही उन्होंने तैयारियों का जो जायजा है उसके बारे में ही उन्होंने बताया है। जालौन में 20 फरवरी को होने वाले तृतीय चरण के मतदान को लेकर सरगर्मियां तेज हैं। इसी के तहत राजनीतिक पार्टियां अपने दौरे लेकर यहां पहुंच रही हैं। इसी के तहत बसपा सुप्रीमो मायावती 14 फरवरी यानी कल यहां पर एक जनसभा आयोजित करेंगी। इसकी तैयारियों का जायजा लेने के लिए हम पहुंचे हैं उरई। यहां पर आपको दिखाना चाहेंगे पीछे जो मंच है वो तैयार किया जा रहा है। यहीं पर बगल में हेलीपैड बनाया गया है। राजनीतिक पार्टियों के बसपा के जो वरिष्ठ नेता है वो यहाँ पर लगातार निरीक्षण कर रहे हैं और यहाँ की व्यवस्थाओं को देख रहे हैं। इसके अलावा मैं आपको बताना चाहूंगा कि पुलिस व्यवस्था भी यहाँ मजबूत रहेगी, वरिष्ठ कार्यकर्ता मौजूद हैं यहाँ पर। निश्चित तौर पर आप देखना होगा कि ये रैली कितना कारगर साबित होती है। पहले हमारे साथ मौजूद हैं बसपा के वरिष्ठ नेता हैं लालाराम अहिरवार, से बात कर लेते हैं क्या तैयारियां हैं, क्या व्यवस्था की गई है। लालाराम जी, कल बसपा सुप्रीमो यहाँ उरई आ रही है, क्या व्यवस्था की गई है? कल जनपद जालौन की धरती पर बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश की चार बार मुख्यमंत्री रही परम आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी का जनपद जालौन की धरती पर आगमन हो रहा है। उन्हीं की तैयारी के सिलसिले में जनपद जालौन के इस मैकेनिक ग्राउंड में बहुजन समाज पार्टी की विशाल पंडाल लगाई गई है, जिसमें जनपद जालौन के साथ साथ पूरे मंडल से बहुजन समाज पार्टी के सभी जिम्मेवार कार्यकर्ता, समर्थक, शुभचिंतक इस रैली को कामयाब बनाने में यहाँ आएंगे और उसी की तैयारी में आज हम लोग यहाँ कई दिनों से इसकी तैयारी चल रही है और आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी कि इस रैली को हम बड़े पैमाने पर कामयाब बनाएंगे। कोविड को ध्यान में रखते हुए इस कार्यक्रम की हम लोग तैयारी कर रहे हैं। जो चुनाव के हमारे दिशा निर्देश हैं उन दिशा निर्देशों का पालन करते हुए हम इस रैली को कामयाब बनाएंगे। कितनी भीड़ जुटने की आशंका है, अगर देखा जाए तो लगातार कितनी परमिशन है? देखिए, बहुजन समाज पार्टी की जो रैली होती हैं, इन रैलियों के आगे चाहे वर्तमान की भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो या और राजनीति दल हो, इन हमारी बहुजन समाज पार्टी की रैली के आगे कोई भी दल रैली हमारे बराबर नहीं कर सकता है। इसलिए कोविड को ध्यान में रखते हुए जो भी हमें प्रशासन ने निर्देश दिए हैं उसके अनुरूप हम लोग इस रैली को कामयाब बनाएंगे। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो ये थे हमारे साथ बसपा के वरिष्ठ नेता लालाराम अहिरवार, जिन्होंने बताया कि कल होने वाली जनसभा निश्चित तौर पर एक भव्य होने वाली है। अब देखना होगा बीएसपी सुप्रीमो मायावती का ये जालौन दौरा कितना कारगर साबित होता है और बसपा को पुनः वापसी लाने में कितना कारगर साबित होगा। जालौन से इंडिया न्यूज के लिए मैं आशीष शिवर।